देखो, वो देखो सामने तैबा आ गया है। बस आधे दिन का सफर बाकी है। तैबा यानी यसरप आ गया। और मुसलमान इसको मदीना कहते हैं। मोहम्मद के आने के बाद बहुत कुछ बदल गया है। तुम सब लोग ये सारी बातें बंद करो। ये वक्त इन बातों के लिए नहीं है। हम लोग यहाँ इस्लाम के बारे में जानने के लिए आए हैं। हमें इन लोगों से कुछ, इनके मजहब के बारे में कुछ सवालात करने हैं, ताकि हक और बातें सामने आ जाए। तो फिर हम वापस अपने घरों को लौट जाएंगे, वापस अपने वतन की तरफ। तुम क्या कहते हो? हाँ, मुझको मोहकम यकीन है हमारी मुलाकात पैगंबर इस्लाम या उनके चचेरा से हो जाएगी। हाँ यकीनन हो जाएगी। अगर हमने उस आखिरी नबी को, जिसका जिक्र हमारी किताबों में है, अगर हमने उसको पा लिया। क्या मतलब है? तो क्या बनी इसराइल के तमाम अंबिया गलत थे? मैंने कब कहा? मगर तुम्हारा मकसद तो यही है। बस इस बात को यही खत्म कर दो। बस खत्म खत्म। तुम बोलो बेटे, बड़ा ही दिलचस्प वाक्य है। इसमें हमारा फायदा है। इससे दिलचस्प वाकया मैंने आज तक नहीं सुना। भाई कहते रहो, हम सुन रहे हैं। मेरी आंखें खुल गईं इस वाकये से। सलमान फारसी भी इस वाकये के रावी हैं। जी हाँ, इन्हीं के लिए फरमाने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलमानुल मिन्ना वलाइलुल बैत। जी बिल्कुल, इसके अलावा उनको सलमान मोहम्मदी भी कहा जाता है। ऐ मेरे बेटे, इन राइफों का क्या किस्सा है? कहते रहिए भाईजान, मैं इस किस्से को सुनने का बेहद मुश्ताक हूँ। विसाल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के बाद अबू बकर ने खिलाफत पर कब्जा कर लिया। राहिबों की जमात मदीना पहुंची।
तुमको ये दिन मुबारक हो। सलाम हो उन पर जो हिदायत पा गए, सलाम हो उन पर जो शुजा है और अल्लाह के हुक्म पर ही चलते हैं और अल्लाह के रसूल पर ही ईमान लाए। बहुत खूबसूरत जवाब। आपके आने का मकसद क्या है? हम कुछ मसाइल के जवाब मालूम करने आए हैं जिनको हम अपनी किताबों में पाते हैं। अगर खलीफा हमारे सवालों का जवाब दे दे तो हम आमन्ना और सदकना कहकर तुम्हारे रसूल मोहम्मद पे ईमान ले आएंगे कि वो ही हक है और पैगंबर खुदा है। तुम लोग कहाँ जा रहे हो राहिब? हम लोग मदीना जाना चाहते हैं। मदीना? हाँ, हमारी मंजिल मदीना है। अगर इजाजत हो तो। ऐ राहिब, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। हमारे सफर की मेहनत और जुस्तजू अकारत न चली जाए। सब्र करो मेरे भाई, ये हमेशा ख्याली पुलाव पकाते हैं। मुझको नहीं मालूम कि कैसे हम यहाँ खुदावंदे मसीह की मदद कर रहे हैं। क्या बकते हो? मैं वो ही कह रहा हूँ। बूढ़े में यहाँ इसीलिए आया हूँ कि तुम्हारी शिकस्त देख सकूँ, तुम्हारी शिकस्त मुसलमानों से। इसकी बातों पे ध्यान मत दो, आराम से, सब्र से। खामोश, बकवास बंद करो। तुमको शर्म आनी चाहिए मेरे सामने। अल्लाह की कसम, मैं इस जगह को और यहाँ के मकीनों को तुमसे बेहतर जानता हूँ। मैं यहाँ सिर्फ इल्म की रोशनी हासिल करने आया हूँ। कुछ राहिब मदीने आने से झिझक रहे जबकि कुछ के दिलों में खौफ था, जबकि पूरे मदीना में राहिबों के मनाजरे का चर्चा हो गया था। और फिर खलीफा के पास पहुंचकर राहिबों ने सवालात की बौछार कर दी। खुदा को देखा है? वो क्या चीज है जो सांस तो लेती पर रूह नहीं रखती? वो क्या है जो खुद मरती है किसी को जिंदा करने के लिए? हक और बातिल में क्या फर्क है? दुनिया के अव्वलीन शजर का नाम क्या है? और ज़ारियात ज़रवा से वक्त पर आए हो। आओ मेरे साथ खाना तनावल करो, मेरे पास बैठो मेरे भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसम है उस जात पाक की, मुझे भूख नहीं मगर आपकी दावत को रद्द भी नहीं कर सकता। ऐ अल्लाह, हम पर रहमत नाज़िल फरमा आसमानों से। तू ही हमारा पालने वाला परवरदिगार है। खलीफा अबू बकर ने आपको बुला भेजा। मुझको बताओ, क्या राहिबों की जमात मदीने पहुंच गई है या सलमान फारसी? जी, सलाम हो आप पर या अली, आपको किसने खबर दी मुझे बताइए। रसूल खुदा ने इस अमर की मुझे बहुत पहले ही खबर दे दी थी। हे अल्लाह, हम पे अपना करम फरमा और हमारे गुनाह माफ फरमा और इसका बोझ हम पे से उठा ले। हमको माफ फरमा और हमारी तौबा कबूल फरमा। सारी तारीफ तेरे ही लिए, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। हे अल्लाह, मैं तेरे प्यारे मोहम्मद का वसी हूँ, मुझ पर अपना रहम नाजिल फरमा।
اے اللہ تو بے شک رحمان و رحیم ہے, تو ہی ہمارا آقا و مولا ہے, ہم کو ان لوگوں پہ کامیابی عطا فرما. کیا تمہارا نام شرخجیل ابن خرجیل ہے؟ یہ عجیب بات ہے, آپ کو میرا نام کیسے معلوم؟ مجھ کو تمہارے آنے کی خبر میرے بھائی نے دی تھی, میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین. بڑی ہی عجیب بات ہے, دیکھتے کیا ہوتا ہے, صبر کرو. تم کو صاف نظر نہیں آ رہا, ابھی تو شروعات ہے. سمجھے؟ تم لوگ پریشان مت ہو, میرے بھائی رسول خدا نے مجھے ہزار باب علم کے تعلیم کیے اور میں نے ہر باب سے ہزار باب خود دریافت کیے اللہ کے حکم سے. ہم اہل بیت کا کوئی ہمسر نہیں, اور اگر تم کو ہمارے بارے میں علم نہیں تو مجھ کو اجازت دو کہ میں تم سے اپنا تعارف کرا سکوں. فرمائیے ابو الحسن. یا ابو الحسن, معذرت کے ساتھ. کہو سلمان. یہ علم کی روح ہے, جہل کی خاطر سچ سے نہیں گھبرات. یہ اسلام کے دائی ہیں, یہ مجسم ایمان محکم ہے, یہی حق کی پہچان ہے اور صراط مستقیم بھی یہی ہیں. اسلام کے علم بردار یہی ہیں اور دین اسلام کے محافظ بھی یہی ہیں اور پیشوا بھی. یہ صرف سننے اور بولنے کی بات نہیں ہے, کچھ اور بھی بتاؤ میرے بھائی, کہیے. بہت خوبصورت جواب سلمان, آگے کہیے. کاش ہم آپ کے ساتھ ہی ہوتے ہمیشہ کے لیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں, یہ دین کے محافظ ہیں, یہ تمام رازوں کے جاننے والے ہیں, تمام آرزوؤں کو پورا کرنے والے ہیں, یہ مشکل کشا ہیں, یہ علم کا اتھا سمندر ہے. ہم ظلمات کو روشن کرنے والا نور ہے اور حکمت کا سر چشمہ, ہم علم کی اساس ہے اور مظلوموں کے مددگار بھی. سبحان اللہ, بہترین جواب دیا آپ نے. مجھ کو اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر پختہ یقین ہے اور ہم ہی صراط مستقیم پر ہیں. اپنا نام بتائیے. ان کا نام علی ابن ابی طالب ہے, یہ ابو طالب کے بیٹے اور عبد المطلب کے پوتے ہیں اور محمد کے بھائی, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا, تو یہ رسول کا چچا. دونوں بنی ہاشم سے ہیں, ہاشم ابن عبد مناف, ابن قصی, ابن کلاب اور ابن مرہ, ابن کعب, ابن لوی, ابن غالب, ابن فہر, ابن مالک, ابن کنانہ, ابن خزیمہ, ابن مدرک, ابن الیاس, ابن مظہر, ابن نزار, ابن مات, ابن عدنان. ہماری کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے, کیا آپ وہی تو نہیں؟ فاتح خیبر و خندق, صاحب ذوالفقار. بے شک وہ میں ہی ہوں. تو پھر یہاں ہمارے آنے کا مقصد آپ کو پتا ہونا چاہیے. ہم اپنی قدیم کتابوں میں کچھ سوالات پڑھتے ہیں جن کا جواب نبی یا ان کے یا وسیع کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو, اور کوئی طاقتور نہیں سوائے اللہ کے. اگر میں تم کو تمہارے سوالوں کے جواب دے دوں تو تم کیا کرو گے؟ جو میں کہوں کیا تم وہ کرو گے؟ یقیناً, جیسے آپ کا حکم یا علی. تو پھر میں تم سے ایمان لانے کو کہوں گا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے. ہمیں منظور ہے. تو پھر شروع کرو اپنے سوالات اور ان کے جوابات غور سے سنو. جسم کا کون سا حصہ کام کے وقت ساکت رہتا ہے؟ وہ انسان کا کان ہے, کیونکہ جب انسان کچھ سنتا ہے اپنے کان سے اور اس کے دماغ تک بات پہنچتی ہے, دماغ ہی وہ جگہ ہے جہاں تمام باتیں پہنچتی ہیں اور وہ سچ اور جھوٹ پہ فیصلہ کرتا ہے. اور جان لو کہ علم سے دوری انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے. ہم ایک جماعت کی صورت یہاں آئے ہیں, اور یہاں تم اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے آئے ہو کہ یہ مذہب حق ہے یا جھوٹ.
क्या किसी ने इनको हमारे आने की खबर दे दी थी? इनको तो हमारे आने का मकसद भी मालूम है। चुप करो, हमको इनकी बात सुने दो। वल्जौरियोत इज़ुरवा से क्या मुराद है? ये चार हवाएं हैं, जनूबी हवाएं, शुमाली हवाएं, मशरकी हवाएं, मगरबी हवाएं। वला बिलात वुखरा, वो बादल जो पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। जारिया तो युसरा क्या है? वो कश्तियां जो पानियों पे चलती हैं। और फरमाइए मुकसिमात अबरा से क्या मुराद है? इससे मुराद वो फरिश्ते हैं जो हर रोज अल्लाह ताला के हुक्म से उसकी मखलूक में पानी और रिस्क बांटते हैं। वो 14 कौन हैं जिन्होंने खुदावंद से कलाम किया? फरमाइए आप क्या जानते हैं? वो 7 आसमान हैं और जमीन के 7 दर्जात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फिर इसने आसमान और जमीन से कलाम किया और चाहते हुए या ना चाहते हुए उन्होंने जवाब दिया, हम चाहते हैं। वो क्या चीज है जो रूह नहीं रखती मगर सांस लेती है? वो सुबह है यानी के तलुए आफ्ताब का वक्त। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, मैं कसम खाता हूँ पीछे हटने वाले, चलने फिरने वाले, छुपने वाले सितारों की, और रात की जब वो जाने लगे और सुबह की जब चमकने लगे। यहाँ सांस से मुराद सूरज का तुलू होना है। हमें बताइए याली, वो क्या चीज है जो अल्लाह ने खुद बनाई और खुद खरीदी? बताइए। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ने ईमान वालों से उनकी जान और माल जन्नत के बदले खरीद ली है। अल्लाह तबारक व ताला ने मोमिन की जान खल्क की और फिर शहादत के अवस उनसे वापस खरीद ली। किसको अल्लाह ने खल्क किया और उसके बारे में सवाल किया, वो क्या चीज है? वो असाए मूसा है। अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम्हारे सीधे हाथ में क्या है ऐ मूसा? ये कौन सी चीज है जिसे अल्लाह से कलाम किया लेकिन ना उसमें गोश्त ना खून? वो जहन्नुम है। अल्लाह ताला हम सब को इसके अजाब से बचाए। बताइए वो कौन है जो कि ना इंसान है ना जिन ना फरिश्ता मगर वो एक नबी का कासिद है? वो हुदूद है पैगंबर सुलेमान का, जिसको पैगंबर सुलेमान ने खत देकर मलका सबा की तरफ ये कहकर भेजा, जाओ उस खत के साथ और इसका जवाब लेकर आओ, देखते हैं वो क्या जवाब देते हैं। वह कौन सा अमल है जो किसी हराम काम के बाद अंजाम दिया जाए तो वो अमल भी हराम करार पाएगा? वो शराब पीने के बाद नमाज का अदा करना है, क्योंकि उसने अपने आप को अल्लाह की रहमत से दूर कर लिया अपने पहले अमल से। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालों, नमाज को छोड़ दो जब तक तुम शराब के नशे में हो। मूसा ने कितने दिन अपनी माँ का दूध पिया? और ये भी बताइए, किस रोज अल्लाह ने मूसा से कलाम किया था? मूसा की माँ ने उनकी रजात 3 महीना 3 दिन तक की, और अल्लाह ताला ने मूसा से जुम्मे के रोज कलाम किया। ये बताइए अबुल हसन, क्या आपने अल्लाह को देखा है? हम उस अल्लाह की इबादत कैसे करें जिसको हम अपनी आंखों से देख सकें? इस मामले को अपनी जाहिरी आंखों के बजाय दिल की आंखों से देखो, जिस दिल में ईमान की रोशनी होगी अल्लाह उसको मिल जाएगा। सही कहा या अबुल हसन। अल्लाह की हम्द व सना जो तमाम आलमीन का रब है, जिसने तमाम अशिया चरंद परिंद इंसान और जिन को पैदा किया, इस कायनात को पैदा किया, वो ही यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। मैं हैरान होता हूँ जब कोई अपने पैदा करने वाले को देखने की बात करता है। हमारे बाप आदम, वो कितने साल जिंदा रहे? हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 1000 साल की है। या अबुल हसन, वो कौन है जो ना नबी है ना इंसान ना ही वो फरिश्ता है मगर उस पे अल्लाह की वही आई है? वो शहद की मक्खी थी जिस पर अल्लाह ताला ने अपनी वही की। अल्लाह बड़ा कादर और मुतलक है।
वो पांच जानदार कौन से हैं जो माँ की पेट से नहीं आए? वो पांच ये हैं: आदम, हव्वा, हजरत साले की ऊंटनी, हजरत मूसा का आसा और हजरत इस्माइल का तुम्बा। या अबुल हसन, दो जानदार एक साथ मरते हैं, उसमें से एक का खाना हम पर हलाल है और दूसरे का हराम। फर्ज करो कि एक परिंदा उड़े और समंदर से मछली का शिकार करे और उसको लेकर उड़ रहा हो और कजाए इलाही से उस परिंदे को मौत आए, तो वो दोनों जमीन पर एक साथ गिरेंगे, मगर परिंदा हराम होगा और मछली हलाल। अबुल हसन, हमें उन परिंदों के नाम बताइए जो कुरान में मौजूद है। हुदहुद, कौवा, सलवा। कौवे का जिक्र हाबील और काबील के वाक्य में आया है और हुदहुद का जिक्र हिकायत सुलेमान में तफसील के साथ आया है। सलवा का जिक्र बनी इसराइल के किस्से में मौजूद है। ऐ वसी नबी, ये बताइए, एक जानदार मर कर दूसरे को जिंदगी देता है, ये वो गाय है जिसका जिक्र बनी इसराइल के किस्से में आया है। ऐ याहया, क्या तुम ये बात जानते हो कि ईसाइयों ने अपने आप को बहुत से फिरकों में बांट लिया है? उनमें से एक फिरका ये मानता है कि अल्लाह उनके दरमियान मौजूद था। ये तो इंतहाई गलत अकीदा है, अल्लाह ताला इनको सीधी राह दिखाए। जबकि दूसरी जमात ईसा को अल्लाह का बेटा मानती है। अस्तग़फिरुल्लाह। इस जमात को नसारा कहते हैं और उनके यहाँ कुछ ऐसे भी हैं जिनके तीन कुरान के नज़दीक इनका यह अकीदा गलत है, और जो भटक गए हैं और कहते हैं कि हमारे तीन खुदा हैं। क्या कोई ऐसा नहीं जो ईसा को अल्लाह का रसूल और बंदा समझते हो? हाँ याहया, किताब हिकमत कुरान के नज़दीक यही लोग मुसलमान हैं जो ईसा को अल्लाह का रसूल और बंदा समझते हैं। इसका मतलब है कि वो सही रास्ते पे हैं। सही, और वही लोग नबी आखिर का इंतजार कर रहे हैं जबकि इनके साथियों ने दीन में बिगाड़ पैदा कर दिया है। अल्लाह ताला ने हमारे रसूल को सच्चे पैगाम यानी कुरान के साथ भेजा है, इसी वजह से ये लोग इनको फौरन पहचान लेते हैं, वो इसलिए कि इनकी किताबों में हमारे रसूल के नाम और सिफात आ चुके हैं। तुम क्या कहते हो शरका जी, हमारे और उनके दरमियान कैसा मामला है? मैं यहाँ पर अपने इल्म की प्यास बुझाने आया हूँ, ये खुद इल्म का समंदर है। अगर हम रात की तारीख का फायदा उठाते हुए फरार हो जाए तो? बहुत खूब, वैसे भी इस नाकाम मुहिम का क्या फायदा है? तुम गलत बात कर रहे हो। बस अब बहुत हो गया, मैंने हिदायत पाने के लिए सारी उम्र सबर किया है, समझे तुम सब लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ नियामतों के बख्शने वाले, ऐ फजल करम करने वाले, ऐ लोह कलम के पैदा करने वाले, ऐ चूटी और आदमी के पैदा करने वाले, ऐ अजाब करने वाले, इंतकाम लेने वाले, अरब और अजम के अलहाम करने वाले, ऐ सख्तियों और रंज के दूर करने वाले, ऐ पोशीदा बातों के जानने वाले, ऐ काबे के मालिक, ऐ अदम से वजूद में चीजों के लाने वाले, पाक है तू। ऐ परवरदिगार, मैं तेरे नाम के साथ तुझसे मांगता हूँ। ऐ मेरे पालने वाले, ऐ कबूल करने वाले, मेरी दुआओं को कबूल फरमा और मुझ पर रहम नाजिल फरमा, क्योंकि तू रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। तू रहमान है, रहीम है और रोज़े जज़ा का मालिक है। हम तेरी ही इबादत करते हैं। क्या बोला सर, मशरिक और मगरब में कितना फासला है और आसमान और जमीन का भी बताइए। मशरिक और मगरब में सूरज के एक दिन की मुसाफत का फासला है और जमीन और आसमान में
मजलूम की सिर्फ एक आह का फासला है। तुम लोग अपना वक्त कैसे गुजारते हो ऐ राहिबों? दीन के मामलात में सोच विचार करके वक्त गुजारते हैं। अल्लाह के नजदीक बेहतरीन वो है जो अपने नफ्स की नफी करे। अल्लाह बहुत रहीम है। हम वापस अपने सवालात की तरफ आते हैं। पूछो जो पूछना चाहते हो। क्या बोला सर, मुझे बताइए जमीन पे पहला शख्स कौन कत्ल किया गया? हाबील इब्ने आदम। वो कौन सा दरख्त है जिसको सबसे पहले हवाओं ने झुलाया? वो दरख्त जिसकी लकड़ी से हजरत नूह ने अपनी कश्ती तैयार की, सच का दरख्त। बताइए वो कौन सा पानी है जो ना कभी आसमान से बरसा ना जमीन से जारी हुआ? घोड़े का पसीना। वो कौन सा परिंदा है जो किसी की औलाद नहीं? वो परिंदा जो ईसा ने बनाया और फिर अल्लाह के हुक्म से उसने रूह फूंकी। है वसीय नबी, ये बताइए कुत्ता क्या कहता है? कुत्ता क्या कहता है? जब ऊंट बोलता है तो उस वक्त वो क्या कहता है? और घोड़ा क्या कहता है? मूर्ख क्या कहता है? तमाम चरिंद और परिंद अल्लाह की तस्दीक करते हैं, मगर इंसान को इस आमर का शऊर नहीं है। बेशक अल्लाह बेहतरीन रहम करने वाला है। या अबुल हसन, जान लीजिए कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आप जैसा किसी को नहीं पाया। अगर मेरी मुलाकात आपसे पहले हो जाती तो आज मेरा हाल बिल्कुल जुदा होता। ये बताइए वो कौन लोग थे जिन्हें अल्लाह ने बशारत दी ईसा के जमाने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब हमने हवारियों ने ईसा को अपने दीन की बशारत दी, उन्होंने कहा हम गवाही देते हैं कि हम मुसलमान हैं। वो हवारियों ने ईसा थे, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सहाबी और मददगार। हवारियों ने ईसा के नाम ये है शमऊन, उन्द्रिस, जॉन बिन दुरी, यूहन्ना, अफलास, तुमास, मुती, याकूब बिन खुल्फी, कदियूस, पतलीमूस और चौदह और शमऊन थे। इनमें से 11 ने ईमान का इकरार किया और 14 ने ईमान का इनकार किया। और शैतान बरदूद पे लानत हो, और ये जूटा ही था जिसने अपने ईमान को यहूदियों के हाथ फरोख कर दिया। इसी ने हजरत ईसा से चांदी के 30 सिक्कों के लिए गद्दारी की। आप अपना हाथ आगे बढ़ाइए। अल्लाह अकबर। आपने इनको सच्चाई का रास्ता दिखा दिया या अबू तराब? या अल्लाह, हमारे दिलों को अपनी तरफ से ना फिरने देना। जब तूने हमारी रहनुमाई की और अपनी रहमत नाजिल की, तू बड़ा रहीम है। ऐ अल्लाह, हमको माफ फरमा और उनको भी माफ फरमा जो हमसे पहले आए, और हमारे दिलों से बुग्ज और हसद को दूर फरमा। ऐ अल्लाह, बेशक तू बड़ा गफूर रहीम है।